सो हाय गाइज, मैं आपका दोस्त धीरज स्वागत करता हूँ आपका मेरे एक और नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम लोग क्लास 11 केमिस्ट्री पार्ट 1 यूनिट 3 क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी एंड प्रॉपर्टीज वाले चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं। इस एक सिंगल वीडियो के अंदर हम पूरा चैप्टर कवर कर लेंगे, वो भी 3 पार्ट्स के अंदर। फर्स्ट पार्ट के अंदर मैं आपको ये चैप्टर एक्सप्लेन करूँगा, इसी वीडियो के अंदर सारे कॉन्सेप्ट, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और केमिस्ट्री के वो एक्सपेक्शंस। उसके बाद सेकेंड पार्ट के अंदर हम लोग कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि इसमें से कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन से पढ़ना, कौन सा नहीं पढ़ना। थर्ड पार्ट के अंदर हम लोग सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। एंड अगर मैं स्टडी मटेरियल की बात करूँ तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे हैंड रिटन NCERT नोट्स हैं। उसके बाद क्लास 11 इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स हैं और JEE के भी क्वेश्चन आंसर्स हैं इस चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट हर साल के, और वो डाउनलोडेबल है तो आप डाउनलोड भी कर सकते हो। अब इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन, चैप्टर के अंदर हम लोग बेसिकली पीरियोडिक टेबल को पढ़ने वाले हैं, उसकी कुछ और प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे जो हमने 10th में पढ़ी थी। आधा चैप्टर 10th के ऊपर बेसिक्स है और आधा चैप्टर कुछ नई प्रॉपर्टीज़ के ऊपर है। तो इस जहाँ तक 10th तक अपन ने पढ़ रखा है उस पार्ट को मैं फटाफट कम्प्लीट करूँगा, और जहाँ से डिटेलिंग क्लास 11 शुरू होता है उस पार्ट को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलो बिना बकवास के मैं शुरू करता हूँ। एंड अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर कर देना, क्योंकि मेहनत लगती है यार, एज कि मैं भी क्लास 11th में हूँ तो मुझे भी बहुत टाइम निकाल के वीडियो बनाना पड़ता है। सो इन 1800 ओनली 31 एलिमेंट्स वेर नोन। बाय 1865 द नंबर ऑफ आइडेंटिफाइड एलिमेंट्स हैड मोर देन डबल टू 63। एट प्रेजेंट 140 में 14 एलिमेंट्स आर नोन। Of them, the recently discovered elements are man-made. Efforts to synthesize new elements are continuing. यानी कि देखो, मालूम ये कि अभी तक देखो 114 एलिमेंट्स नोन है, जिसमें से अभी के जितने भी न्यू एलिमेंट्स डिस्कवर्ड हुए हैं वो सारे man-made हैं, स्पेशल conditions में रख के उनको फॉर्म किया, और वो बहुत ज़्यादा रेयर है। ओके, यहाँ आ जाते हैं तो इसके अंदर शुरू कर रहे हैं हम लोग यहाँ से, द जर्मन साइंटिस्ट से, सॉरी द जर्मन केमिस्ट। ओके, द जर्मन केमिस्ट जॉन डोबेनायर इन अर्ली 80s वॉज द फर्स्ट कंसिडर्ड द आइडिया ऑफ ट्रेंड्स अमंग प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। बहुत अच्छे से इनके बारे में आप जानते हो एंड मुझे नहीं लगता कि मुझे इनके बारे में कुछ बताने की ज़रूरत है, और ट्रेंड्स के बारे में भी आप जानते हो, ठीक है। सो आई डोंट थिंक सो कि इसके ऊपर हमें टाइम वेस्ट करना चाहिए। एक नए साइंटिस्ट का नेम यहाँ पे और आ जाता है, द नेक्स्ट रिपोर्टेड अटेम्प्ट टू क्लासिफाई एलिमेंट्स वाज मेड बाय फ्रेंच जियोलॉजिस्ट ए बी डे चेंचरोट्रॉइस इन 1862। ही अरेंज्ड द देन नोन एलिमेंट्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट्स एंड मेड अ सिलेंड्रिकल टेबल ऑफ एलिमेंट्स टू डिस्प्ले द पीरियोडिक रिकॉग्निशंस ऑफ प्रॉपर्टीज। ओके, चलो नेक्स्ट पेज पे। अब जानते हो कि डोबेनायर के बाद आता है हमारा लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, यानी कि अलेक्जेंडर न्यूलैंड्स। ओके, सो जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड्स इन 1865 प्रोफाउंड द लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। ठीक है, देखो यहाँ तक आप सब कुछ जानते हो और इसके ऊपर इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इसमें से क्वेश्चंस आने वाले नहीं हैं। ठीक है, हम लोग ये सिर्फ ऐसे ही जनरली पढ़ रहे हैं। The properties of the elements are the periodic functions of their atomic weights. ये कहा था वाइल्ड डोबेनायर, इनिशिएटेड द स्टडी ऑफ पीरियोडिक रिलेशनशिप्स। इट वाज मेंडेलीव हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर पब्लिशिंग द पीरियोडिक लॉ। ये लॉ मेंडेलीव के थ्रू पब्लिश किया गया था, और मेंडेलीव को हम लोग मोस्ट सक्सेसफुल पर्सन मानते हैं, मोस्ट फर्स्ट सक्सेसफुल पर्सन मानते हैं, जिसकी वजह से पीरियोडिक टेबल बनी थी, एंड उसी के स्टूडेंट ने हमारी जो अभी ओरिजिनल न्यू पीरियोडिक टेबल है वो बनाई थी, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ओके, सो इसमें हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं, एंड द स्टूडेंट नेम वाज हेनरी मोजली। यहाँ से हटा देते हैं, सो हेनरी मोजली ऑब्जर्व्ड इरेगुलरिटीज इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्स रे स्पेक्ट्रा ऑफ द एलिमेंट्स। अ प्लॉट ऑफ
root v, where v is frequency of x rays emitted against atomic number, gave a straight line and not the plot for root v versus atomic masses. He terribly showed that the atomic number is more fundamental property of an element than its atomic sizes. कुछ एक्सपेरिमेंट्स के बाद हेनरी मोज़ले को ये पता लगा कि एटॉमिक नंबर जो है वो उस एटम की ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स को बताता है रेदर देन एटॉमिक मासेस. ठीक है, एक्स रेस, वी रेस, इन सब को भूल जाओ, सिर्फ इतना याद रखो कि कुछ सर्वेबल एक्सपेरिमेंट्स कर लेने के बाद उनको ये पता चला कि एटॉमिक नंबर जो है वो एक परफेक्ट चीज़ होगी किसी भी एटम के कैरेक्टरिस्टिक्स को या फिर प्रॉपर्टीज़ को डिटरमाइन करने के लिए. नीचे एक और चीज़ आ जाती है, ये उनका लॉ है कि द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स. यहाँ पे यू मे रिकॉल दैट द एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू द न्यूक्लियर चार्ज, दैट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज एन न्यूट्रल एटम. इट इज ईजी It is then easy to visualize the significance of quantum numbers and electronic configuration in periodicity of elements. Okay, इन सब के बारे में हम लोग आगे देखेंगे. यहाँ पे एक नई टर्म अपन को पता चलती है, ऐसा दिमाग में आया होगा कि एल्यूमिनियम को एल्यूमिनियम क्यों कहते हैं, इसको ये क्यों कहते हैं, वो क्यों कहते हैं. तो ये सब कुछ करता है IUPAC. IUPAC का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री. यही वो लोग हैं जो हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर चेंजेस करते रहते हैं, नए एलिमेंट्स डिस्कवर करते रहते हैं और उनका नेम, रूल्स और वो सब कुछ ये लोग करते हैं. ठीक है, अब इन्होंने कहा था कि जो ग्रुप्स के नंबर 1 to 18 हैं उनको रिप्लेस करके हम लोग रोमन नंबर्स में AB और ऐसे लिख देते हैं, जैसा कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा. उसके बाद यहाँ आ जाते हैं थोड़ा सा इधर इस वाले पैराग्राफ में. The seventh period is incomplete and like the sixth period would have a theoretical maximum on the numbers of bases of quantum numbers of 32 elements in the periodic table. ठीक है, अब इसके अंदर 14 elements on both sixth and seventh periods. इसके अंदर आते हैं lanthanoids and acetonoids respectively are placed in separate panels at the bottom. इसका रीज़न ये है कि अगर हम लोग उनको बीच में डाल देते तो फिर periodic table बहुत लंबी हो जाती है और एक पेज या फिर एक चार्ट के ऊपर इसको बनाना पॉसिबल नहीं होता. एंड स्पेशली वो उसमें से मोस्ट ऑफ एलिमेंट्स जो है न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर रिएक्टेंट्स हैं, इसलिए उनको अलग रख रहे हैं तो वो सिस्टमेटिक वे में अच्छे से डिफाइन हो जाता है. ओके, अब इस पेज के अंदर कुछ नहीं है. नेक्स्ट पेज के अंदर पीरियोडिक टेबल है और अगर पॉसिबल हो सकता है तो प्लीज़ इसको एक बार व्यू कर लें. ठीक है, और मैं ये होप कर रहा हूँ कि आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता होगा. ओके, अब यहाँ पे एक इंसिडेंट हो गया था जहाँ पे अमेरिकन और सोवियत साइंटिस्ट ने एक नया एलिमेंट डिस्कवर किया था. नेम वो दोनों अलग रख रहे थे, देखते हैं कि क्या हुआ था. फॉर एग्जांपल, बोथ अमेरिकन एंड सोवियत साइंटिस्ट क्लेम क्रेडिट फॉर डिस्कवरिंग एलिमेंट 104. द अमेरिकन्स नेम्ड इट रदरफोर्डियम, वेयर एज सोवियट नेम्ड इट करकेटोरियम. टू अवॉइड सच प्रॉब्लम्स द IUPAC हैड मेड रिकमेंडेशंस दैट अंटिल अ न्यू एलिमेंट इज डिस्कवर्ड इज प्रूव्ड दैट इट्स नेम इज ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड. इससे पहले कि वो एटम डिस्कवर हो और कोई और उसका नाम रखे, उससे पहले ही उसका नाम ये लोग तय कर देंगे. किससे? उसके लिए आपको ये दो टेबल्स देखनी पड़ेगी. सबसे फर्स्ट टेबल है ये, जिसके अंदर नोटेशन ऑफ IUPAC नमे कल्चर ऑफ एलिमेंट्स. सबसे पहले तो डिजिट्स देख लो, अगर उसके अंदर वन है तो अन होगा और एब्जर्वेशन उसकी यू होगी, यानी कि जो सिंबल हम लोग बनाते हैं वो यू होगा और उसी के एटॉमिक नंबर्स के अकॉर्डिंग, यानी कि 101 है तो हम लोग अन नील यूनियम कहेंगे, 102 है तो हम लोग उसको अन नील पीएम कहेंगे और ये अन नील ट्रियम ब्रियम वो सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है. जैसे कि इसके अंदर 101 है तो फिर 1 तो 1 0 और फिर से 1, तो ऐसे करके उसका नेम प्रोनाउंस होगा और उसका जो सिंबल है वो भी ऐसे बनेगा UNU. ओके, इसके बाद आ जाते हम लोग यहाँ पे, तो लेटर परमानेंट नेम एंड सिंबल आर गिवन बाय द वोट ऑफ IUPAC. तो एक बार के लिए उसका नेम ऐसा रख देते हैं, फिर उसके बाद IUPAC जो है उसका प्रॉपर नेम रखती है.
यहाँ पर एक एग्जांपल है और ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जहाँ पे आपको IUPAC नेम एंड सिंबल फॉर द एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 120 है, तो रूट्स देख लो 120 अनबिल निल एंड रेस्पेक्टिवली हेंस द सिंबल ऑफ द नेम विल बी UBN एंड अनबिलियम उसका नेम हो जाएगा। ओके इस टॉपिक के ऊपर आ जाते हैं अब हम लोग। होप कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड द पीरियोडिक टेबल। द प्रीसीडिंग यूनिट वी हैव लर्न दैट एन इलेक्ट्रॉन इज एन एटम इज क्लासिफाइड बाय अ सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स एंड द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स एंड डिफाइंस द मेन एनर्जी लेवल नोन एज शेल। और उसके कुछ ऑर्बिटल्स भी होते हैं SP, DN, F। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू ऑर्बिटल्स ऑफ एन एटम इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, कुछ स्पेसिफाइड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होते हैं पीरियड्स के अकॉर्डिंग, तो चलो उन्हें देख लेते हैं। ओके यहाँ से द फर्स्ट पीरियड N=1 स्टार्ट विद द फिलिंग ऑफ द लोएस्ट लेवल 1s and therefore has two elements hydrogen 1s1 and helium 1s2 when the first shell K is completed। इसके अंदर first shell K complete हो जाता है, उसके बाद जितना भी ये सब कुछ लिखा हुआ है, ये पूरा जो बड़ा सा पैराग्राफ है ना, इसको मैं एक ही चार्ट में आपको समझा दूंगा और आगे आने वाले कुछ टॉपिक्स के अंदर इसको और भी ज़्यादा डिटेल्स में बताया हुआ है, तो हम लोग इस पार्ट को स्किप कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक ये चार्ट आता है जिसके अंदर हमें एटॉमिक नंबर और सिंबल दिया हुआ है और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें बताना है। लेट अस टेक सोडियम जिसका इलेक्ट्रॉनिक जिसका एटॉमिक नंबर है 11 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6 3s1। अगर ये आपको नहीं मालूम है तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दो कि ऐसा कैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाला है भाई, हम तो कुछ और ही निकालते थे 2, 8 और ऐसा कुछ, तो इसमें तो ऐसा कुछ है नहीं, तो नीचे लिख दो कि कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं। उसके ऊपर एक छोटा सा वीडियो मैं अपलोड कर लूँगा। तो जानते हो कि किन ब्लॉक्स के एलिमेंट्स होते हैं, P ब्लॉक F ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, चलो देख लेते हैं। द एलिमेंट्स ऑफ S ब्लॉक, उसके अंदर दो ग्रुप्स होते हैं, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। ग्रुप 1 जो होता है वो एल्कली मेटल्स होता है और ग्रुप 2 जो होता है एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ठीक है, और डिफरेंस है बहुत ज़्यादा। चलो नेक्स्ट पेज पे, सॉरी इसके भी नेक्स्ट। अब इसके अंदर जो इनका कॉन्फ़िगरेशन होता है इलेक्ट्रॉनिक, वो NS1 से NS2 तक होता है। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बिलोंग्स टू S ब्लॉक एलिमेंट्स। ओके, रिएक्टिव मेटल्स विद लो आयनाइजेशन इंथैल्पीज, जिसको हम लोग आगे देखेंगे आखिर ये क्या चीज़ है, they lose the outermost electrons readily from 1+ ion in case of alkali metals or 2+ ion in case of alkaline earth metals. The exceptions of those of lithium and beryllium are primarily ionic. P block elements comprises those belonging to group 13 to 18 and this together with the S block elements are called the representative elements or the main group. ये सबसे ज़्यादा main group होता है। ओके, अब इसके अंदर इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो NS2 NP1 से लेके NS2 NP6 तक होता है हर एक पीरियड के अंदर। और इसी ग्रुप के अंदर ऑल द ऑर्बिटल्स वैलेंसी शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन शेल्स ऑफ द नोबल गैस आर कम्प्लीटली फिल्ड बाय इलेक्ट्रॉन एंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू अल्टर दिस। अब इसके अंदर आता है दे आर हेलोजन्स, यानी कि ग्रुप 17 वाले हेलोजन हैं, ग्रुप 16 वाले चालकोजन्स हैं। दिस टू ग्रुप्स ऑफ एलिमेंट हैव हाईली नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पीज एंड रेडिली एड 1 or 2 इलेक्ट्रॉन्स रेस्पेक्टिवली टू अटेन द स्टेबल ऑफ नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। इसके बाद आ जाते हैं हमारा डी ब्लॉक को हम लोग ट्रांसमिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं। ये एलिमेंट्स ग्रुप 3 से लेकर 12 तक है इन द सेंटर ऑफ पीरियोडिक टेबल। दिस आर कैरेक्टराइज्ड बाय द फिलिंग ऑफ इनर डी ऑर्बिटल्स इलेक्ट्रॉन्स एंड देयरफॉर रेफर टू एज डी ब्लॉक एलिमेंट। इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है n-1 d 1 की पावर 10 तक लेके NS02 तक। अब इसके अंदर पैरा मैग्नीशियम ऑफ्टेनली यूज्ड एज कैटलिस्ट। ठीक है, पैरा मैग्नीशियम जो है वो कैटलिस्ट के रूप में, कैटलिस्ट आपको पता होगा जो किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं। हाउएवर Z and CDHG
will have the electronic configuration NSN-1, D10, NS2 do not show most of the properties of transmission elements. तो ये कुछ elements हैं जैसे कि mercury, zinc. तो ये transmission elements की ज़्यादातर properties को show नहीं करते हैं. अब आ जाता है हमारा last जो कि F block elements. F block के most of elements nuclear elements हैं जो कुछ lanthanoids and acetanoids के basis में हमने इनको कर रखा है classify. इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है ब्रैकेट n-2 F1 to 14 एंड n-1 D0 to 1 NS2. यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हो. ओके, नेक्स्ट चले तो द केमिस्ट्री ऑफ अर्ली, कहाँ चला गया. The chemistry of the early acetanoids is more complicated than the corresponding lanthanoids due to the large number of oxidization state possible for these acetanoids elements. Acetanoids elements are radioactive. Many of the acetanoids elements have been made only in nanograms quantities. देखो, reactive elements जो होते हैं उनको बहुत छोटी quantity में बनाते हैं और वो बनते भी बहुत छोटी quantity में ही हैं. यहाँ पे एक problem है 3.3, इसका नाम है 3.3. The element Z, जिनका एटॉमिक नंबर है 117 एंड 120, हैव नॉट येट बीन डिस्कवर्ड. इन विच फैमिली ग्रुप विल यू प्लेस देम एलिमेंट्स एंड गिव द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन ईच केस. तो देखो, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देते ही आपको इनका ग्रुप, पीरियड सब कुछ पता चल जाएगा. चलते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स के ऊपर, फटाफट फिनिश कर देते हैं. मेटल्स कंप्रोमाइज मोर देन 78% ऑफ ऑल नोन एलिमेंट्स एंड अपेयर ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ पीरियडिक टेबल. ठीक है, इसका सब कुछ जितना भी है आगे पीरियोडिक टेबल आएगी उसके अंदर हम लोग देखेंगे. अब आ जाते हैं हम लोग ट्रेंड इन फिजिकल प्रॉपर्टीज. सबसे पहले एटॉमिक रेडियस आता है, जानते हो कि क्या होता है. बिकॉज द साइज ऑफ द एटम इज 1.2 एंगस्ट्रॉम, दैट इज 1.2 × 10⁻¹⁰ मीटर इन रेडियस. इसमें जो भी प्रॉपर्टीज हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो सारी की सारी हम लोग पीरियोडिक टेबल, एक आगे एक चार्ट आएगा उसके अंदर देखेंगे, जिससे कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा. ओके, इसके अंदर एक चीज़ आती है कोवेलेंट रेडियस. द एलिमेंट कैन बी कोवेलेंट रेडियस द डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स व्हेन दे आर बॉन्ड टुगेदर बाय अ सिंगल बॉन्ड इन कोवेलेंट मॉलिक्यूल फॉर्म दिस वैल्यू द कोवेलेंट रेडियस ऑफ द एलिमेंट कैन बी कैलकुलेटेड. यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ, एक मेटेलिक रेडियस और होता है. We define the term metallic radius, which is taken as half the internuclear distance separating from the metal cores in the metallic crystals. यहाँ नीचे फिर atomic radius भी आ जाता है, to refer to both covalent or metallic radius depending on whether the element is non-metal or a metal. Atomic radius can be measured by X-rays or other spectroscopic methods. नीचे दो tables हैं, please उनका overview कर लीजिए. नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, कर लो तो अच्छी बात है. ओके, चलो नेक्स्ट पेज पे. आयोनिक रेडियस. सो यहाँ से क्लास 11 शुरू होती है. द रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ अ कैटायन, वेयर एज गेन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज लीड टू एज एनायन. अ कैटायन इज स्मॉलर देन इट्स पेरेंट एटम बिकॉज इट हैज़ अ फ्यूअर इलेक्ट्रॉन्स व्हाइल इट्स न्यूक्लियर चार्ज रिमेन्स द सेम. द साइज ऑफ एन एनायन will be larger than that of parent atom because the addition of one or more electrons will be result in increase of repulsion among the electrons. Okay, अब यहाँ पे एक नया टर्म आता है जो कि है isoelectronic species. ये वो species हैं जिनके अंदर same atoms and ions which contains the same number of electrons. जैसे कि इसके अंदर oxygen, fluorine, sodium और magnesium आता है, और भी species हैं, ये एक example है. इन सब के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे. ओके, तो जिनके अंदर भी सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हम लोग उन्हें आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के अंदर कंसिडर करते हैं. एक यहाँ पे क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज विल हैव द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट साइज. तो आइस के हम लोग जानते हैं कि एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस अक्रॉस अ पीरियड. कैटायन्स आर स्मॉलर देन देयर पेरेंट एटम्स. अमंग आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज वन ऑफ इट द लार्जेस्ट. तो लार्जेस्ट इसके अंदर स्पीशीज जो होगी वो MCQ होगी और स्मॉलेस्ट जो होगी वो Al+ होगी. एक और टॉपिक आता है आयोनाइजेशन इन थैम्पली.
The quantitative measures of the tendency of an element to lose electron is given by ionization enthalpy. It represents the energy required to remove an electron from an isolated gaseous atom. Okay, समझ गए होंगे कि एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो टेंडेंसी होती है या फिर जो क्वांटिटेटिव मेजर होता है उसको हम लोग आयोनाइजेशन एंथैल्पी कहते हैं. ठीक है, इसको हम लोग एंथैल्पी का जो चेंज होता है उसको डेल्टा आई एच से डिनोट करते हैं. ओके, तो कहीं पे भी डेल्टा आई एच ब्रैकेट में लिखा हो तो समझ लेना कि यहाँ पे आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात हो रही है. इसको हम लोग एक्सप्रेस करते हैं केजी मोल रेज टू माइनस वन. So energy is always required to remove electrons from an atom and hence ionization enthalpies are always positives. Okay. So यहाँ नीचे एक टॉपिक आता है यहाँ से. The effective nuclear charge experienced by a valency electron in an atom will be less than the actual charge on the nucleus because of shielding or screening of valency electrons from the nucleus by intervening core electrons. For example, the 2s electron in lithium is shielding from the nucleus by the inner core of 1s electron. समझ गए होंगे कि भाई जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है पीछे वाले इलेक्ट्रॉन और आगे वाले इलेक्ट्रॉन के बीच में शेडिंग और स्क्रीनिंग होता है. आगे चलते हैं. You will also notice that the first ionization enthalpy of group boron, whose atomic number is 5, is slightly less than that of beryllium. Okay, in beryllium, the electron removed during the ionization is an s electron, whereas the electron removed during ionization of boron is a p electron. Okay, so let's go to the table, जिसके अंदर हम लोग ये सब कुछ पढ़ लेंगे. उससे पहले आयो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी पढ़ लेते हैं. व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू अ न्यूट्रल गैसियस एटम टू कन्वर्ट इट इनटू अ नेगेटिव आयन द एंथैल्पी चेंज टू अकॉम्प्लाइन द प्रोसेस डिफाइंड एज द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. जहाँ पे भी डेल्टा अर्ग एच लिखा हुआ है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात हो रही है. ठीक है, सो लेट्स डायरेक्टली जंप टू द टेबल बिकॉज ये पूरे चैप्टर को डिनोट कर देता है. ओके, अब इस टेबल के अंदर एस के आप देख सकते हो, थोड़ा सा इसको देख सकते हो कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है अगर हम लोग पीरियोडिक टेबल के राइट में जाते हैं तो वो इंक्रीज होती है. ओके, और आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी इंक्रीज होती है. वेयर एज अगर आयोनाइजेशन एंथैल्पी अप टू द ग्रुप है तो वो इंक्रीज होगी, डाउन टू द ग्रुप है तो डिक्रीज होगी. ठीक है, ये बेसिक सी बात है, अगर उधर इंक्रीज हो रही है तो इधर डिक्रीज होगी. अब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो है वो अप टू द ग्रुप इंक्रीज होती है. एटॉमिक रेडियस जो है नीचे जाते टाइम डिक्रीज हो जाता है. नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इधर इंक्रीज होता है, मेटेलिक कैरेक्टर इस साइड इंक्रीज होता है. ओके, सो ये वाला जो फिगर 3.7 है इसको प्लीज़ आप देख लेना क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. और देखो मैं आप बता ही देता हूँ कि ऑल दिस पीरियोडिक ट्रेंड्स आर समराइज्ड इन फिगर 3.7. तो मतलब जितने भी ट्रेंड्स प्रॉपर्टीज जितना सब कुछ भी है ना सारा का सारा उस टेबल के अंदर आपको मिल जाएगा. कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं जैसे पीरियोडिटी ऑफ वैलेंसी और ऑक्सीडाइजेशन स्टेट्स यहाँ आ जाते हैं, यहाँ पर पता चल जाएगा. ओके, सो यहाँ पर द वैलेंसी ऑफ रिप्रेजेंटेशन एलिमेंट्स इज यूजुअली थ्रू नॉट नेसेसरली इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिटल्स और इक्वल टू द 8 माइनस द नंबर ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एज शोन बिलो. तो इस टेबल के अंदर आप देख सकते हो जहाँ पे आपको वैलेंसी और नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी के बारे में बताया हुआ है. यहाँ पर एक क्वेश्चन आ जाता है कि यूजिंग द पीरियोडिक टेबल. देखो ये जो क्वेश्चन है ये हमने पूरा 9th 10th अपन ने यही किया है, एलिमेंट्स दे दिए और वहाँ से अपन को फॉर्मूले बनाने और आगे जाके इसके ऊपर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आएंगे. ठीक है, इसके लिए पीरियोडिक टेबल आनी चाहिए.
तो वैसे तो इसके अंदर हमको बहुत सारी चीज़ें दे देते हैं कि इसका एटॉमिक नंबर ये है, ये इस ग्रुप से बिलोंग करता है, ठीक है, और फिर आप इसका फॉर्मूला हमें बना के दे दो, तो फिर तो ये बहुत इजी हो जाता है। अब आता है एनोमलस प्रॉपर्टीज ऑफ सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स। इसके अंदर क्या है कि द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ईच ऑफ द ग्रुप 1 लिथियम एंड 2 बेरिलियम एंड ग्रुप 13 टू 17 बोरॉन टू फ्लोरिन डिफर्स इन मेनी रेस्पेक्ट फ्रॉम द अदर मेंबर्स ऑफ देयर रेस्पेक्टिव ग्रुप्स। फॉर एग्जाम्पल, लिथियम अनलाइक अदर एल्कनी मेटल्स एंड बेरिलियम अनलाइक अदर एल्कनी अर्थ मेटल्स फॉर्म कंपाउंड्स विद प्रोनाउंस्ड कोवेलेंट कैरेक्टर। द अदर मेंबर ऑफ दिस ग्रुप्स प्रीडोमिनेंटली फॉर्म आयोनिक कंपाउंड्स। ओके, यहाँ पे एक और टर्म आ जाती है कि मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम रेस्पेक्टिवली, सो लेट इट बी, द शॉर्ट ऑफ सिमिलरिटी इज कॉमनली रेफर्ड टू एज डायगोनल रिलेशनशिप इन पीरियोडिकल प्रॉपर्टीज। यानी कि ग्रुप के जो टॉप के जो एलिमेंट्स हैं वो उनके ग्रुप के आगे वाला जो ग्रुप है उसकी प्रॉपर्टीज को रखते हैं रेदर देन देयर ग्रुप, उसको हम लोग कहते हैं डायगोनल रिलेशनशिप्स। नेक्स्ट पेज पे आ जाने के बाद यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, आर द ऑक्सीडेशन स्टेट्स एंड कोवेलेंसी ऑफ ए एन आर द सेम? नो, ऑब्वियसली नॉट, बिकॉज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ए एल इज +3 एंड द कोवेलेंसी इज 6। ठीक है, अब आता है पीरियोडिक ट्रेंड्स इन द रिएक्टिविटी, जहाँ पे नीचे हमको पता चलेगा कि द आयनाइजेशन इन्फ्लुएंस ऑफ द एक्सट्रीम लेफ्ट एलिमेंट्स। ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट, हाँ ये बहुत इम्पोर्टेंट है, हाँ यहाँ से द आयनाइजेशन एंथैल्पी enthalpy of the extreme left element in a period is the least and the electron gain enthalpy of the element on the extreme right is the highest. Iska matlab ki noble gas having completely filled shell electrons have rather positive electron gain enthalpy values. This result into high chemical reactivity at two extreme lowest in the center. Thus the maximum chemical reactivity at extreme left यानी कि अमॉन एंकलिंग मेटल्स, एंड ये बेसिकली आपको उस टेबल से पता चल जाएगा। अब ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, शोड अ केमिकल रिएक्शन विथ वाटर और बताओ कि Na2O एक बेसिक ऑक्साइड है, Cl2O7 एक एसिडिक ऑक्साइड है। तो जब हम लोग इसका रिएक्शन कराते हैं तो हमें सीधा सीधा मिल जाता है NaOH और दूसरे वाले एसिडिक के अंदर हमको मिल जाता है HCl ऑक्साइड। तो बेसिकली वो ऑक्साइड नहीं, O4 है, बट वी कैन से डेट। सो हेयर आफ्टर चैप्टर फिनिशेस। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस आते हैं, अगर क्वेश्चंस सी इसके क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, जनरली कुछ भी नहीं करना, सिर्फ डिफाइन लिखनी है इलेक्ट्रो नेगेटिविटी की, इलेक्ट्रो इंथेम्पलाइज की, और आपको बता देना है कि वो दो एलिमेंट्स दे देंगे और आपको पूछेंगे कि इसमें से कौन सा है। अब उनकी प्रॉपर्टीज को देख के आपको बता देना है, जो कुछ भी हमने किया उसी के ऊपर क्वेश्चंस आएंगे और मैंने आपको वही कराया। क्वेश्चंस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से देख सकते हो, और जब क्वेश्चंस देखोगे तो आपको पता चलेगा कि हमने वो सारे कि जो जो टॉपिक्स हमने पढ़े हैं ना उन्हीं टॉपिक्स के ऊपर क्वेश्चंस हैं। ओके, होप सो कि ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दो और इसको शेयर कर दो, और नहीं आया तो सॉरी यार, और नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दो एक बार फिर से, और इस बार मैं आपको कोई भी टॉपिक नहीं समझ में आया तो वो प्लीज़ स्पेशली लिख देना, उसके ऊपर स्पेशल इंपॉर्टेंस देते हुए मैं समझा दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो एंड शेयर इट।